हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारी एक और नई कार के इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू 2024 इनोवा क्रिस्टा। एंड दोस्तों, अगर वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों ये है आपका VX, जो कि दोस्तों आपका आता है 8 सीटर वेरियंट में। अगर डिटेल में इस कार की बात करें तो दोस्तों ये कार आपको 7 सीटर प्लस 8 सीटर दोनों ऑप्शन में देखने को मिलती है। एंड इसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और एक ही समय आपको डीजल इंजन देखने के लिए मिल जाता है। टोटल इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, G, V और Z। ठीक है, अभी आप जो वेरिएंट देख रहे हैं ये आपका VX वेरिएंट, जो कि 8 सीटर है। एंड अगर इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 24.69 लाख रुपीज़ दोस्तों उसका एक्स शोरूम प्राइस। एंड ऑन रोड की बात करें तो अप्रोक्स आपको 30,10,000 रुपये की ये कार देखने को मिल जाती है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एंड ऑन रोड प्राइस आपकी वेरी कर सकती है ड्यू टू टैक्सेस। ठीक है, दोस्तों इस कार से रिलेटेड कोई भी आपको बुकिंग, इंक्वायरी, टेस्ट ड्राइव करनी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अनंत टोयोटा को। शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रंट की बात करें दोस्तों इस कार में तो आपको काफ़ी चौड़ा देखने को मिलता है फ्रंट, एंड काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। बाकी बीच में आपको देखिए टोयोटा का लोगो मिलता है। ग्रिल की बात करें तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल देखने को मिल जाती है। एंड लाइट सेटअप आपके सामने रहेगा जो कि आपका ड्यूल बीम के साथ है। ये आपका प्रोजेक्टर में व्हाइट लाइट एंड नॉर्मल आपको हैलोजन बल्ब के साथ ये आपके DRLs का वर्क करेंगे। साथ ही नीचे बात करें तो आपको देखिए फॉग लैंप मिलता है हैलोजन बल्ब के साथ। एंड टर्न इंडिकेटर आपको नीचे मिलेगा, वो भी हैलोजन बेस्ड है। बाकी आपको क्रोम स्ट्रिप देखने को मिलती है। एंड अगर फेस की बात करें ना फ्रंट में तो फेस काफ़ी ज़बरदस्त आपको बोल्ड फेस देखने को मिलता है इस कार का। एंड 176mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त लगती है देखने में। बोनेट में आपको कर्वी लेंस देखने को मिलती हैं एंड फ्रेमलेस वाइपर आपको कंपनी ऑफर करती है। लेंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 4.7 मीटर की ये कार देखने को मिल जाती है, यानी काफ़ी लंबी एंड काफ़ी स्पेसियस आपको ये कार मिल जाती है। व्हील बेस आपको मिलता है 2750mm का। साथ ही दोस्तों अगर टायर साइज की बात करें इस वेरियंट में तो आपको देख लीजिए 205/65R16 का टायर साइज देखने को मिलता है। एंड डिज़ाइन कुछ इस टाइप से रहेगा जो कि आपका डायमंड कट का रहेंगे, ड्यूल टोन में एलॉय व्हील्स, काफ़ी ज़बरदस्त आपको डिज़ाइन मिलता है। रियर में भी दोस्तों आपको ड्रम ब्रेक ऑफर करती है कंपनी, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। एंड ग्लास की बात करें तो आपको टिंट ग्लास देखने को मिल जाते हैं। एंड साइड मिरर की बात करें तो उसमें दोस्तों आप देख लीजिए आपको बॉडी कलर टर्न सिग्नल इंटीग्रेटेड है। ये आपके ऑटो फोल्डेबल नहीं है बट आपको मिलते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। ऊपर आपको रूफ रेल्स नहीं मिलेंगी, ठीक है, सनरूफ तो इसमें आता भी नहीं है वैसे भी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। पीछे वाले क्वार्टर पैनल की बात करें तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का आपको देखने के लिए मिल जाता है और काफ़ी मस्त लुक्स के साथ आती है ये गाड़ी। बैक प्रोफाइल की बात करें तो आपके सामने बिल्कुल मतलब चौड़ी लगती है देखने में, है ना। बीच में आपको टोयोटा का लोगो मिलता है। कैमरे की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 2.4V की बैजिंग मिलती है। VX और VA की होता है। यहाँ पर आपको क्रिस्टा की बैजिंग, टेल लाइट यूनिट काफ़ी शानदार, काफ़ी बड़ी है जो कि प्योर हैलोजन बल्ब के साथ है। ये आपकी रिवर्स लाइट या पार्किंग लाइट से कह सकते हैं। वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लाइट, नीचे वॉशर एंड इतना बड़ा दोस्तों आपको मिलता है स्पॉइलर प्लस सार्फिन एंटीना आपको कंपनी ऑफर करती है। साथ ही 4 पार्किंग सेंसर, 2 रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। एंड स्टेपनी व्हील की बात करें तो आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब सब कुछ आपको देखने को मिलता है। एंड फ्यूल टैंक यहाँ मिलता है, ओपन नहीं होगा, अंदर से ही ओपन करना पड़ेगा। एंड 50 लीटर के इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी मिल जाती है। तो चलिए एक बार बूट की बात करते हैं। एंड दबाया कुछ इस टाइप से ओपन होता है, ठीक है। ये आपका रहेगा 8 सीटर वेरिएंट। प्रॉपर यहाँ पर लगभग आपको 282 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। स्टेपनी व्हील नीचे आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं, 1, 2, 3। ये तीसरा हेडरेस्ट की पोजीशन इधर दी गई है, निकाल के लगा देंगे आराम से। यहाँ पर आपको लाइट्स देखने को मिलती हैं और इसके पीछे खोलने के बाद आपको टूल किट मिल जाएगी। सीट को फोल्ड करना चाहो, स्टेप को खींचो एंड यहाँ की तरफ ऊपर टो कर दो तो ठीक है, दोनों सीट आपकी लास्ट वाली रो की फोल्ड हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास करीब 550-600 लीटर का बूट स्पेस आराम से हो जाएगा। तो सीट को कर दो अनफोल्ड। बढ़िया दोस्तों, काफ़ी मस्त लगती है देखने में वैसे तो ये। तो इतना ही कुछ आपको देखने को मिलता है इसके बूट में। एंड लेआउट की बात करें तो ये कुछ इस टाइप से इसमें आपको लेआउट मिल जाएगा। चलिए बूट को बंद करते हैं जो कि आपको मैन्युअली करना पड़ेगा।
सो दोस्तों अब बात करेंगे हम इसके ड्राइवर साइड डोर की। तो डोर हैंडल्स की बात करें क्रोम के साथ एंड इसमें आपको रिपकर सेंसर देखने को मिलता है। ओपन करते हैं तो ये है इसका काफ़ी बड़ा डोर एंड काफ़ी हैवी आपको डोर देखने को मिलता है। ये आपको दोस्तों फैब्रिक टच मिलता है पूरा का पूरा, ठीक है। देखिए काफ़ी मस्त आपको मिलते हैं ग्रैब हैंडल्स एंड चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि आपके वन टच डाउन वन टच आप यानी ऑटोमेटिक है। एंड मिरर सेट करने के कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए, मिरर फोल्ड अनफोल्ड, डोर लॉक करने के लिए। बाकी ये आपका डोर ओपनर क्रोम हैंडल के साथ एंड ये आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट प्लस बोतल स्पेस एंड लाइट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। सीट हाइट एडजस्टमेंट की बात करते हैं इस वेरिएंट में तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। और दोस्तों सीट की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है टोयोटा वालों की, तो काफ़ी बड़ी आपको सीट देखने को मिलती है, क्रिस्टा की बैजिंग मिलती है एंड हेडरेस्ट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो लेआउट कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। सो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं दोस्तों इस क्रिस्टा का VX का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड का लेआउट बहुत ही ज़बरदस्त आपको दोस्तों लेआउट देखने को मिलता है। पूरा ब्लैक कलर का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा एंड काफ़ी अच्छा फील आने वाला है, प्रीमियम सा फील आपको आएगा, ठीक है। काफ़ी शाम हो चुकी है, धूप अच्छी खासी पड़ रही है तो विजिबिलिटी आपको अच्छी आ रही होगी, ठीक है। पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करें काफ़ी बड़ा है, देखिए नीचे से आपको पूरा लेदर रैप ये वाला, ये ऊपर आपको वुडन फिनिश देखने को मिलता है एंड बीच में आपको टोयोटा का लोगो। इधर आपको बात करें वॉल्यूम कंट्रोल्स, कॉल कट, कॉल पिकअप के कंट्रोल। इधर दोस्तों आपको बात करें तो सारे आपको ट्रिप सेट करने के कंट्रोल्स दिए गए मेन्यू वगैरह के एंड क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ की तरफ दिया गया। अब स्टीयरिंग की और बात कर लेते हैं तो देखिए आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है। लाइट्स आपको मिल जाती हैं ऑटोमेटिक एंड वाइपर आपको दोस्तों नॉर्मल मिल जाते हैं, ठीक है। एंड क्लस्टर की बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो आपके सामने रहेगा जो कि आपका रहता है एनालॉग में एंड पर्सनली दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आपको 3D टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए आप 3D थोड़ा उभरा उभरा मिलता है, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, बीच में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगी, सब कुछ काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। इधर बात करें तो आपको ये वुडन फिनिश मिलता है एंड यहाँ ओपन करेंगे तो ये रहेगा आपका कप ग्लास होल्डर, ठंडी कर देगा, डायरेक्ट हवा पड़ेगी। बाकी इंजन स्टार्ट सब का ऑप्शन है, DEF, पार्किंग, बाकी सारे यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिए गए एंड ऊपर हार्ड प्लास्टिक की बात करें या डैशबोर्ड की तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त आपको क्वालिटी मिल जाती है। सेंटर आप जैसे ही आओगे AC वेंट की प्लेसमेंट आपको मिलती है, ये आपको पूरा वुडन फिनिश मिल जाएगा। साथ ही यहाँ बात करें तो देखिए कंपार्टमेंट है सीक्रेट स्पेस, ठीक है। एंड टच स्क्रीन की बात करें तो इसमें आपको मिल जाती है 8 इंच की टच स्क्रीन जो कि दोस्तों आपका सपोर्ट करेगी एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेसली। बाकी यहाँ पर आपको AC मिलता है जो कि आपका ऑटोमेटिक है, कुछ इस टाइप से बढ़िया लेआउट मिल जाता है। नीचे आपको दोस्तों दो पावर मोड मिलते हैं, इको प्लस पावर मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। बाकी ये आपका रहता है 5-स्पीड गियर बॉक्स, देखिए पूरी कवरिंग मिलती है जो कि आपकी लेदर हेड है, कप ग्लास होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक एंड आर्मरेस्ट की बात करें तो सॉफ्ट टच के साथ है। ओपन करते हैं तो अंदर स्पेस आपको ज़रूर मिलेगा, यहाँ पर आपको देखिए USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। सीट की दोस्तों क्वालिटी वास्तव में बहुत अच्छी है एंड ओवरऑल काफ़ी बढ़िया आपको डैशबोर्ड का लेआउट मिलता है। रियर व्यू मिरर की बात करें मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ देखिए आपको जो लाइट्स मिल जाती हैं वो आपको मिलती है हेलोजन बल्ब के साथ, सनग्लास होल्डर मिल जाता है एंड वैनिटी मिरर देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है प्लस लाइट्स भी मिल जाएंगी। इधर बात कर लें तो यहाँ भी वैनिटी मिरर प्लस लाइट्स आपको दोनों देखने को मिलेंगी एंड साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाती है एम्बियंट लाइट की पोजीशनिंग कुछ इस टाइप से। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है इस कार का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड इसमें आपको दोस्तों 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर का सेट देखने को मिलता है। एंड सेफ्टी की बात करें तो दोस्तों सेफेस्ट कार है, बाकी इसमें आपको मिल जाते हैं 7 एयरबैग्स। सो फिलहाल आप मुझे बता सकते हैं आपको कैसा लगा इसका पूरा लेआउट। चलिए बात करें इसके पीछे वाले डोर पैनल की, ओपन करेंगे तो वही दोस्तों आपको पूरा डोर पैनल देखने को मिल जाता है। ये आप बात करें फैब्रिक टच पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको मिलता है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, ये आपको सिल्वर सटन फिनिश, स्पीकर प्लस बोतल स्पेस एंड इंटीरियर आपके सामने। सो सीट की बात करते हैं तो आपको 60-40 में स्प्लिट सीट मिल जाती है। क्रिस्टा की देखो आपको इसमें बैजिंग मिल जाती है एंड 3 हेडरेस्ट मिलते हैं जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं। बीच में आपको मिलता है देखिए आर्मरेस्ट विथ 2 कप ग्लास होल्डर कुछ इस टाइप से। तो एक बार कार के अंदर चलते हैं, काफ़ी ऊँची है, ग्राउंड क्लियरेंस 176 mm का है एंड डैशबोर्ड लेआउट बाकी नी रूम बहुत ही प्यारा मिलता है आपको, थाई सपोर्ट भी ज़बरदस्त है इस कार का। इधर बात करें तो देखिए 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक USB चार्जिंग सॉकेट एंड यहाँ पर आपको दोस्तों ट्रे भी देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस टाइप से, ठीक है, जिसमें आप 10 किलो तक का वेट इजीली कैरी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है, काफ़ी मस्त आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड पर्सनली जो मुझे सबसे अच्छा लगा है वो देखिए ऊपर, भले ही इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलती
बट पीछे भी दोस्तों आपको एसी वेंट मिलते हैं जो कि आपकी ऑटोमेटिक एसी है, एंड यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। साथ ही ये देंगे आपके रीडिंग लैंप्स जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है, एंड ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो आपको सॉफ्ट क्लोजिंग ग्रैब हैंडल्स, एंड बीच में भी आपको कैबिन लाइट मिलती है रीडिंग लैंप, वो भी हैलोजन बल्ब के साथ मिल जाएगी। ठीक है, सो काफ़ी मस्त लगता है ऊपर देखने में, काफ़ी अच्छा फ्लो आएगा जब एसी ऑन करोगे तो सीधे मुंह पे हवा आएगी। ओवरऑल कुछ इस टाइप से इसका पूरा लेआउट मिल जाएगा। सो इस क्रिस्टा की अगर आपको लास्ट रो पे एक्सेस करना है दोस्तों, तो ये वाली सीट पे आपको ये दिया गया है लीवर, इसको कर दीजिए, कुछ इस टाइप से सीट हो जाएगी आपकी टम्बल्ड एंड इजी टू गो, आपके पास इतना स्पेस रहेगा। बाकी पीछे बात करें तो तीन बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, सीट काफ़ी बड़ी बड़ी है, काफ़ी चौड़ी आपको सीट्स देखने को मिल जाती हैं, एंड बड़ा इंसान जो थोड़ा बैठने में कष्ट होगा बट वो ऐसा नहीं है बैठ सकता, बैठ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीछे आपको तीन हेडरेस्ट मिलते हैं जो एडजस्टेबल है, और बात करें पीछे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। एक बार अंदर चलते ही हैं, अंदर बैठ के ही बात करेंगे। तो देखिए मैं बैठ चुका हूँ दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत होगी बैठने में बाकी। सो दोस्तों इस सीट को भी आप पीछे की तरफ कर सकते हैं धक्का मार के ये। सो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस सीट को कर दिया रिक्लाइन, तो ये आपकी स्टैंडिंग पोजीशन है, ये आपकी रिक्लाइन पोजीशन है। कुछ इस टाइप से हेडरेस्ट भी एडजस्ट कर सकते हो, एंड अगर अब बैठूंगा मैं तो मुझे बैठने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों आप। ठीक है, पीछे वाले पैसेंजर के लिए आपको भी एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, एंड दोनों पैसेंजर है तीनों पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। ओवरऑल कुछ इस टाइप से पूरा आपको लेआउट मिल जाता है इस कार का। सो फ्रेंड्स इस क्रिस्टा में आपको 2.4 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है जो कि आपका टर्बो चार्ज डीजल इंजन है, एंड लेआउट देख लिए कितना नीट एंड क्लीन आपको लेआउट मिलता है, काफ़ी भरा भरा इसमें आपको दोस्तों लेआउट देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आप DEF भी भरा सकते हैं, अब इसमें भी आपको भराना पड़ेगा। बाकी बोनट में आपको देखो इंसुलेशन देखने को मिलता है, एंड पावर फिगर की बात करें तो 147 BHP एंड 343 NM का टॉर्क ये कार आपको जनरेट करके देती है। बाकी माइलेज इसमें आपको 15 से 16 का देखने के लिए मिल जाता है। सो फ्रेंड्स ये था आपका कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ ऑल न्यू 2024 इनोवा क्रिस्टा VX 8 सीटर वेरिएंट, इसमें आपको 7 सीटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक्सोरूम प्राइस आपको पड़ता है लगभग 24,70,000 रुपये। ठीक है, एंड हमने किया दोस्तों इस कार का कंप्लीट बैकग्राउंड, आपको बताया इसमें आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। बाकी अगर बात करें रिलायबिलिटी की तो दोस्तों टोयोटा की रिलायबिलिटी का कोई भी मुकाबला नहीं है, एंड सेफ्टी का भी कोई मुकाबला नहीं है। बाकी इस कार में आपको देखने को मिल जाते हैं 7 एयरबैग्स। ठीक है, बाकी काफ़ी एक फैमिली पर्पस कार है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी और नई कार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।